एम&एम फिनांस टारगेट 21 सितंबर से देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा, चार्ट को स्टडी करते हैं। 17 सितंबर को देखिए 174 पे था, और देखिए 17 सितंबर को डे का हाई बनाया था 183, और क्लोजिंग हुई थी 17 सितंबर को 179। आज की डेट में देखिए हाई तो बनाया, सेंसेक्स यहाँ पे 500 पॉइंट गिरा, लेकिन शेयर्स में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई। चार्ट को अगर देखें तो चार्ट बहुत ही सॉलिड है, और 2 दिन की गिरावट में भी कुछ खास इसमें गिरावट नहीं आई है, तो बहुत सॉलिड चार्ट है दोस्तों। और बहुत सारे शेयर्स में आज की डेट में गिरावट हुई, इसमें कुछ खास गिरावट नहीं है। तो यहाँ पे कल की डेट में थोड़ा सा भी मार्केट सपोर्ट करता है, नहीं करता है, बस ज्यादा ना गिरे, तो ये बाउंस बैक अच्छा खासा करेगा। पहला टारगेट 183, 183 क्रॉस किया तो आपको 190 तक के लेवल मिल सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है, राइट? तो लेवल सब ध्यान रखिएगा। देख सेकेंड शेयर दोस्तों, M&M मनप्पुरम फिनांस। तो देखिए मनप्पुरम फिनांस मैंने लगा रखा है, और इसका टारगेट डिस्कस करेंगे कब के लिए, 21 सितंबर के लिए। तो आप इसमें देखिए, पहले चार्ट ऊपर की तरफ ट्रेंड बना रहा था, राइट? कब तक? ये 16 सितंबर तक, बस 16 के बाद 17 सितंबर को देखिए यहाँ सेंसेक्स में 100 पॉइंट गिरावट हुई, शेयर ड्रैग कर गया। आज की डेट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट देखिए 500 पॉइंट का सेंसेक्स में गिरावट होती है, ये ड्रैग कर गया। तो मेरा मानना है दोस्तों कि देखिए ऊपर जाने की पूरी कैपेबिलिटी, बट ये 2 गिरावट हुई है, सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट की वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट में सपोर्ट मिल जाता है तो बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं। पहला टारगेट 163, सेकंड टारगेट 165, और 165 भी अगर सस्टेन कर गया तो आपको अच्छा खासा 169 तक का लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो लेवल सब ध्यान रखिएगा।